आज सदन में आसन की गरिमा की बात हो रही है, लेकिन उस दिन कहाँ कोई बहस सदन की तरफ से उठाया गया। विधायक के जिस दिन लात जूतों से पिटाई की गई थी, उस दिन तो गरिमा गिरी अध्यक्ष महोदय के रहते हुए कि भाई विधायकों को अंदर घुस कर पिटाई कैसे कर दी गई, किसके आदेश से पुलिस सदन के अंदर घुस गई, इतिहास में पहली बार। जदयू और भाजपा दोनों लोग लोकतंत्र की हत्या करने के लिए उतावले हैं। जब संविधान ही नहीं रहेगा, लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, तो अध्यक्ष महोदय का विशेष अधिकार कहां से रहेगा। सदन का भाजपाईकरण नहीं चलेगा, आचार समिति की अनुशंसा वापस लो। ट्रेंडिंग बिहार में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विधानसभा का बजट सत्र का आज 13वां दिन है और यहां देख सकते हैं कि भाकपा माले के द्वारा आज फिर से सदन के बाहर प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। क्या कुछ मामला है, किस लिए आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ मामला है आज? देखिए, बिहार विधानसभा में जो विधायकों की पिटाई हुई थी पिछले साल 23 मार्च को, उसमें आचार समिति का जो प्रस्ताव आया है, आचार समिति ने जो रिकमेंडेशन अपना दिया है, उसमें विधायकों को ही जवाबदेह ठहराया जा रहा है। आज सदन में आसन की गरिमा की बात हो रही है, लेकिन उस दिन कहाँ कोई बहस सदन की तरफ से उठाया गया कि भाई विधायकों को अंदर घुस कर पिटाई कैसे कर दी गई, किसके आदेश से पुलिस सदन के अंदर घुस गई, इतिहास में पहली बार। तो उसमें हमें लगता है कि जो आचार समिति है उसका रिकमेंडेशन को रद्द किया जाए और जो जवाबदेह इसके हैं सरकार के अंदर हैं तो इस्तीफा दे, और जो अधिकारी हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हम लोग ये मानते हैं। क्या लगता है कि सरकार ही पिटवाई से विधायकों को की दिया? देखिए, सदन के अंदर तो मुख्य आदेश आसन का चलता है, यहाँ तक कि उस दिन जब हंगामा हुआ, जब विपक्ष ने इस बात को उठाया सदन के अंदर, तो संसदीय कार्य मंत्री जो थे उन्होंने कहा कि तो आसन के आदेश से हुआ है, आसन तो उसको खारिज नहीं किए। असल में देखिए, जदयू और भाजपा दोनों लोग लोकतंत्र की हत्या करने के लिए उतावले हैं। भाजपा का तो ये राष्ट्रीय एजेंडा है और कहीं न कहीं नीतीश कुमार उनके ही इशारे पर ये सब चीज होने दे रहे हैं और बल्कि आगे बढ़ के करवा भी रहे हैं। जैसे आप देखिए कि इस पर बात नहीं हो रही है, एक संवैधानिक संस्थान का पुस्तकालय जो है उसके अंदर आप अचानक से सरस्वती पूजा के दिन हवन और यज्ञ करा करके उसके अंदर मूर्ति स्थापित कर देते हैं, अध्यक्ष उसका उद्घाटन करते हैं, तो ये तो आसन का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हुआ। संविधान सम्मत इस्तेमाल तो आसन का नहीं कर रहे हैं आप। या आप देखिए, सदन के अंदर भी कई बार जो बीजेपी का अपना हिंदुत्व का एजेंडा है वो आसन की तरफ से कहा जाता है, आसन की तरफ से उसको रजिस्टर किया जाता है, तो इन चीज़ों से आसन को भी बचना चाहिए। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, बॉडी लैंग्वेज में गड़बड़ है, लेकिन आसन को और सदन को संविधान सम्मत तरीके से चलाना चाहिए, ये तो हम भी कहेंगे, ये तो सबको ही कहेगा। ये नहीं हो सकता कि आप सदन के अंदर आगे कह दीजिए कि इसको सदन नहीं समझो, इसको आप शिवालय समझ लीजिए। आसन ने कहा है एक समय, तो ये सब चीज से बचना चाहिए आसन को। तो आपने साफ तौर पर सुना कि जो पिछले बार विधायकों की पिटाई हुई थी सदन के अंदर, इसी को लेकर ये प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। छोटे व्यापारियों को संरक्षण दे दो, इसी को लेकर भी वे प्रदर्शन कर रहे हैं। आप छोटे व्यापारियों को संरक्षण दो, इसको लेकर आए दिन जो गरीब और छोटे व्यापारी हैं उनकी फुटपाथ की दुकानें जो हैं सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा बुलडोजर तरवा करके तोड़ दी जाती है, उनका रोजी रोटी समाप्त हो जाता है। और जो छोटे दुकानदार हैं उससे थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़े, उन पर अपराधियों का हमला होता है, सोना चांदी की जो दुकानें हैं उन पर हमले होते हैं, उनकी हत्याएं होती हैं। GST से ऐसे ही जो है पूरे तौर पर व्यापारी बर्बाद थे और लॉकडाउन में उनका जो है पूरा व्यापार ठप हो गया। तो इन तमाम मामलों को लेकर के व्यापारियों को संरक्षण देने, छोटे दुकानदारों को संरक्षण देने के मामले को लेकर हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है कोरोना काल में जो व्यापारी बर्बाद हुए हैं उनको 2,00,000 रुपया लॉकडाउन भत्ता दे और व्यापारियों के संरक्षण के लिए व्यवसायिक आयोग का गठन करे और उनकी दुकानों को नहीं उजाड़ा जाए, उनको अस्थायी रूप से बसाया जाए, उनको जो है पहचान पत्र दिया जाए और इसके साथ साथ तमाम जो व्यापारी हैं उनके जो कर्ज हैं उसके माफ़ किए जाएँ जो छोटे व्यापारी हैं।
जो लॉकडाउन में या आपको बड़े बड़े व्यवसायियों के बड़ी बड़ी कंपनियों के जो कर्ज माफ़ किए जाते हैं, उसी ढंग से छोटे व्यापारियों का भी कर्ज माफ़ हो, उनको हर तरह से संरक्षण दिया जाए, चाहे अपराध का मामला हो या प्रशासनिक संरक्षण का हो, इसके लिए एक व्यवसायिक आयोग का गठन हो। तो आपने साफ तौर पर सुना जो इनका कहना है कि जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें संरक्षण दे सरकार और उन्हें। सर आप लोग विधानसभा के गरिमा को लेकर आज प्रदर्शन बाहर कर रहे हैं। विधायक के जिस दिन लात जूतों से पिटाई की गई थी उस दिन तो गरिमा गिरी अध्यक्ष महोदय के रहते हुए, आज उनकी चिंता हो रही है अपना विशेष अधिकार की। जब संविधान ही नहीं रहेगा, लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, तो अध्यक्ष महोदय का विशेष अधिकार कहाँ से रहेगा? और इसलिए सरकार भी बौखला रही है, अपराध पर सवाल उठ रहा है। नीतीश जी तो जवाब दीजिए ना। और लखीसराय में कल अपराध हो रहा है क्या? पूरे बिहार में अपराध हो रहा है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं घट रही है, रोज गोली चल रही है, रोज बैंक डकैती हो रही है, रोज बलात्कार हो रहा है, रोज दलित गरीबों पर उत्पीड़न हो रहा है। ये सदन का भाजपाईकरण किया जा रहा है, संप्रदायीकरण किया जा रहा है ये अध्यक्ष के रहते हुए। तो सदन गिराने के जो असली जिम्मेदार हैं, जो अपराधी हैं, पटना के SSP DM कार्रवाई हो और आचार समिति की रिपोर्ट को ये सरकार वापस ले। विधायक दोषी नहीं है, दोषी सरकार है। सर 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 एक मिनट। आपने साफ तौर पर सुना जो भाकपा माले के जो विधायक दल के नेता हैं वो सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो पिछले बार सदन में जिस तरह से विधायकों की पिटाई हुई, इसी को लेकर आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं।